बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 5 की। कोर्स हमारा ENG 201 है, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, फिर हम करेंगे MCQs की। तो तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन मैं आपको हर लेक्चर के अंदर करवा रही हूँ, ताकि आपको आपकी जो अच्छी सी तैयारी हो सके, इधर उधर जो है वो आपको ना जो है तलाश करने पड़े। अगर अलग अलग चीज़ें, कभी MCQs की तैयारी के लिए भागते हैं, कभी कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो कि हब मास्टर है, ये चैनल, उस पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में। देखें जी, सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन क्या तैयार करना है, अगर आपको आ जाए या आपको MCQs आ जाए। हाउ मैनी पर्पजेज ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के जो है वो कितने पर्पज होते हैं। एज एन MCQs जो है वो आपने सेलेक्ट करना है 4। हर डॉक्यूमेंट के 4 पर्पज तो मस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन कौन से पर्पजेज होते हैं डॉक्यूमेंट के, तो वो आपने इनलिस्ट कर देने होते हैं। तो वो हैं टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई CV है, कोई फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है जो पढ़ने के बाद आपको मिल जाती है। सेकेंड देखें टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में भी आपके पास कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे कि हम जो है वो अप्लाई करने के लिए, अपनी जॉब के लिए कहीं जाते हैं, तो नीचे जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है। तो वो भी आपको एक एज एन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलता है। टू परसुएड द रीडर, ठीक है, जो रीडर है उसको परसुएड करती है। उसके बाद है टू इनेक्ट और प्रोबिट समथिंग, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो हमें प्रोबिट करने के लिए कहा जाता है। तो ये 4 जो हैं हमारे पर्पजेज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लिसिट पर्पस मींस, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमें क्लियरली बताई जाए, क्लियरली स्टेटेड हो, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सप्लिसिट पर्पस मींस, या फिर आपसे MCQs भी आ सकता है। तो आपने सेलेक्ट करना है क्लियरली स्टेटेड, द पर्पस विच इज क्लियरली स्टेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैव एक्सप्लिसिट पर्पस। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के जो होती है ना, वो होती है एक्सप्लिसिट एज एन एक्सप्लिसिट पर्पस, ठीक है। ये आपने MCQs याद रखना है कि अगर आपको आ जाए कि कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिस जो एक्सप्लिसिट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो हमारी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपने याद रखना है उसकी ये 2 टाइप होती हैं, ये एज एन MCQs। और कौन कौन सी होती हैं अगर आपको ये पता आ जाए, तो आपने ये बताना है कि एक तो लिटरेचर रिव्यूज होता है, ठीक है, दूसरा स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो आपको लिख दे टाइप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, आगे 4 ऑप्शन दे देगा, उन 4 ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक उठा के दे देगा। तो आपको अगर ये दोनों पता होंगी, तो आप उन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में होगी तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो है एग्जामिनर उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरीके से बनाता है, हालांकि क्वेश्चन आपके लेक्चर के अंदर से ही होता है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो जो वो उसकी तो है कि वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन करेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपको जो है वो घूम नहीं सकते, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन से इजीली करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रपोजल्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हो उसको हम प्रपोजल्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए प्रपोजल्स की क्या होती हैं, ठीक है, या फिर आपने ये कहना है ऐसी डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स जो कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं उसको हम प्रपोजल्स बोलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट मीन टू परसुएड द रीडर। आपको पता है जो ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम रीडर को परसुएड करते हैं, आगे उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, आगे उसकी भी 4 टाइप्स होती हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो मैंने बताया है
यहाँ पे ये देखें, टू परसुएड द रीडर, अब ये बात कर रहा है, पहले उसने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन वाली डॉक्यूमेंट होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, फिर उसने अब बता रहा है परसुएड द रीडर, जिसमें हम परसुएड करते हैं रीडर को, उसकी आगे कितनी होती हैं, उसके आगे चार टाइप्स होती हैं, ये अपने जन एमसीक्यूज याद रखना है। और कौन कौन सी होती हैं, प्रपोजल्स होते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट होती है, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स हो सकते हैं, या फिर रिज्यूम्स हो सकते हैं, मीन्स कोई सीवी वगैरह, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस, प्रपोजल्स होते हैं, ये देखें प्रपोजल्स क्या होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो। रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस का मतलब भी यही है कि कोई आपको हदायत दी जाती हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स भी यही है कि जब आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन का लेटर लिखना है तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने लिखना होता है। रिज्यूम्स आपकी सीवी भी उस जो है पोस्ट से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए होनी चाहिए। तो ये है जो रीडर को जो है वो आपके रीडर को जो है वो इंट्रैक्ट कर सके चीज़ों को लिए, ये उसकी टाइप्स हैं, ये आपने एज एन एम सी क्यूज प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट मीन इनेक्ट समथिंग, ठीक है, ये भी आपने पढ़ी है टाइप, देखें जी पीछे अगर आपको याद हो, ये देखें टू इनेक्ट समथिंग, ये टाइप किसकी है, डॉक्यूमेंट की टाइप है। इसकी आगे कितनी टाइप्स होती हैं, ये देखें, टाइप्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्ट टू इनेक्ट समथिंग, चार टाइप्स होती हैं इसकी आगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर्स वो होता है कि जब आप आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं किसी भी जॉब के लिए तो आपका जो लेटर है वो एक्सेप्ट हो जाता है। रेगुलेशंस होती हैं, पेशेंस होता है, उसके बाद ऑथोराइजेशन और मेमोरेंडम होता है उसके, ठीक है, ये चार टाइप्स होती हैं, ये या आपने याद रखनी है इनेक्ट समथिंग के हवाले से, या आपको वो इसी तरह इनेक्ट समथिंग का क्वेश्चन दे देगा और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में लिख देगा, ताकि आपको याद होंगी तो आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपने ये चारों लिखनी है, एज एन एम सी क्यूज भी आ सकता है जिसमें आपने बताना है कि इसके आगे चार टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इम्प्लिसिट पर्पस मीन्स, पीछे भी आपने पढ़ा है कि ऐसी चीज जो कि क्लियरली आपको स्टेटेड की गई हो उस, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सॉरी इंस्ट्रक्शंस नहीं, जिसमें चीजों को क्लियरली स्टेट किया गया हो, बताया गया हो एक डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट पर्पस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिसीजन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रिसीजन क्या होता है, आपने ये वाली लाइन लिख देनी है कि साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग जो होती है उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग किस चीज पे बेस करती है, तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रिसीजन का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ऑफ्टन मोर इफेक्टिव वेन इट इज रिटन डाउन, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि टेक्निकल कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव कब होती है, तो आपने कहना है कि जब हम इसको रिटर्न डाउन करते हैं तब ये इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव होती है जब हम रिटर्न डाउन करते हैं तो क्या चीज जो है हमें एज एन इफेक्टिव मिलती है, तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हेन पीपल रीड दे रिस्पोंड इन, जब पीपल जो है वो रीड करते हैं, जैसे कि आप मेरी ये इस कोई मैं आपको एक पीडीएफ फाइल में कुछ डाटा दे दूं, आप उसको जब रीड करेंगे तो आपका क्या रिस्पांस होगा, तो कहते हैं कि टू वेज स्टेमोनलिस साइमल्टेनियसली दे थिंक एंड दे फील, आप क्या करेंगे बैक वक्त जो है दो चीजें या दो तरीके जो हैं वो फॉलो करेंगे, एक तो ये कि जब आप उसको रीड करेंगे तो आप उसको आप उसके बारे में सोचेंगे, दूसरा फील, आप उसके बारे में फील करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट आ जाए कि जब किसी चीज के बारे में लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपने कहना है कि टू वे साइमल्टेनियसली बैक वक्त एक ही वक्त में वो दो तरीके भी अपना सकते हैं, या तो वो सोचेंगे या फिर वो उसको फील करेंगे, तो दोनों होंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस इन मैसेजेस, के कंप्लीटनेस जो है वो मैसेजेस के अंदर जो होती है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आंसर इसका है कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस,
कंप्लीटनेस मैसेजेस आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं या जो हम हमें जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करते हैं, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, कि जो डिजायर रिजल्ट्स होते हैं वो हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। दे डू अ बेटर जॉब एट बिल्डिंग गुडविल। थर्ड इसके क्या बेनिफिट है, कम्युनिकेशन दैट सीम्स इन कॉन्सिक्वेंशियल कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन इट इज कम्प्लीट एंड इफेक्टिव। ठीक है, ये तीन इसके बेनिफिट्स हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंप्लीटनेस और मैसेजेस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपने ये तीनों लिखने हैं। मैंने इन तीनों को कलर इसलिए डिफरेंट दिया ताकि आपको याद रखे। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक्स श्योर कम्प्लीटनेस टू अ डॉक्यूमेंट। कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं जो एक डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटनेस जो है वो करती हैं। आंसर है, योर मैसेज इज कम्प्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स रीडर्स और लिसनर्स नीड फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। ठीक है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर उस मैसेज के अंदर कम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, फैक्ट्स होंगे, ठीक है, जो रीडर हैं उनकी अकॉर्डिंगली, ठीक है, या जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी जरूरियात के मुताबिक। ठीक है, दूसरा है, कम्युनिकेशन सेंडर्स नीड टू असेस देयर मैसेजेस फ्रॉम आईज ऑफ द रिसीवर्स टू बी श्योर दे हैव इंक्लूडेड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब जो कम्युनिकेशन सेंडर ने सेंड की है वो जो रिसीवर है उसको मिलती है जब, अगर तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो रिसीवर को जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो भी क्या है, कम्प्लीटनेस अ डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी खसूसियत को शो करती है। ठीक है, जब खसूसियत कब जो है वो एक डॉक्यूमेंट की कम्प्लीट शो होती है, जब जो है वो आपकी डिज़ायर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन हो और जो आप चाहते हैं उससे रेलेवेंट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसाइजनेस। ये आपने यहाँ पे स्टॉप कर लेना है, स्टॉप करके इसको आप पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने सजेशंस हैं, ये आपने करेक्टरिस्टिक्स एज एन थ्योरी बता दी। उसके बाद ये आपने करना है, इलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, लंबे लंबे लफ्ज जो हैं वो लिखने नहीं चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, हमेशा जो है आपकी डॉक्यूमेंट उसके अंदर रेलेवेंट मटेरियल ही होना चाहिए। यानी अगर आप CV बना रहे हैं तो आपकी जॉब से रिलेटेड ही वो होना चाहिए सब कुछ, इधर उधर की नहीं मारनी। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, बार बार एक ही बात की जो है वो रिपीट मत करें। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, वही आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको आप रिमूव कर सकते हैं। यूज सिंगल वर्ड, यानी एक वर्ड जो एट अ टाइम ही यूज करें। सब्स्टिट्यूट्स इंस्टेड ऑफ फ्रेजेस व्हेन एवर पॉसिबल विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी कि उसने कहा मिलते जुलते अल्फाज का बार बार इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, क्लियर जो है वो राइटिंग करें और अच्छे से कॉन्टेंट का जो है वो यूज करें। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कंसाइजनेस की। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, ठीक है, विद गुड कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि जो है मुझे भी अच्छा फील हो और मैं मज़ीद जो है वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नए नए लेक्चर्स बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।